अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधायुक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष विभा पटेल के निर्देश पर महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ जिला शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट महाजवीन अली के नेतृत्व में कैंडल मार्च का आयोजन कर प्रदेश सरकार का जबरदस्त विरोध किया गया। कैंडल मार्च राजीव गांधी भवन से प्रारंभ हुआ और तीन बत्ती पर गौर मूर्ति के समक्ष समाप्त हुआ। इस अवसर पर पूर्व जिला शहर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रेखा चौधरी ने कहा कि भाजपा के इस राज में 2 वर्ष की बच्ची से लेकर 70 साल की वृद्ध महिला भी सुरक्षित नहीं है। महिला और बच्चियों पर अत्याचार इतना बढ़ गया है कि भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया पर चिंता जाहिर की है। अध्यक्ष महाजवीन अली ने कहा कि मोहन यादव सरकार की आंखों में जरा भी पानी या शर्म हो तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैडम, ये जो आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, ये क्यों निकाला जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके से छोटी छोटी अबोध बालिकाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और तमाम महिला वर्ग के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश में बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है और महिला उत्पीड़न की घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। इन सारी घटनाओं के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष महजमीन अली द्वारा इस कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है और इस मोमबत्ती को जलाकर जहां नवरात्रि का माता का पर्व चल रहा है, इस पर्व के माध्यम से हम सारे समाज में इस बात को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं के प्रति सोच अच्छी नहीं है, अत्याचार और अनाचार बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए कि इन सब घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं तो सच में ऐसे लोगों का संरक्षण देना बंद करें जो इन अत्याचारों में लिप्त हैं। जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, क्या उद्देश्य है? हमारे पटवारी जी के तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बचाओ अभियान, उसके तहत हम लोग ने ये करा है और ये जो नौ दुर्गा चल रही है उसमें बच्चियों को जो संरक्षण दिए वो करते हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है भाजपा, वो हमारा उद्देश्य है कि ये कन्या भोज में और बुलाया जाता है वो कैसे लोग बच्चियों को अपने भेजेंगे, आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो जिन्होंने वो हो रहे हैं अपराध हो रहे हैं उनको बढ़ावा जो दिया जा रहा है, अब तक महिलाएं और बच्चियां कोई भी सेफ नहीं है, नवजात बच्चियों के साथ छोटी छोटी 2-3-4 साल की बच्चियों के साथ जो घरों अपराध हो रहा है उसका है कि ये आप जो पूजनीय बच्चियां स्त्रियों को बेबी माना जाता है वहाँ कहाँ, अब भाजपा ने तो पूरा रौन के रख दिया कि बच्चियों के साथ भी अपराध हो रहे हैं तो उनको संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। हमारा ये उद्देश्य जीतू पटवारी जी का कि ये बेटी बचाओ अभियान के तहत उन भाजपाइयों का जो अत्याचार है वो ख़त्म किया जाए और भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए।